ये रहा अपने बाबा जी का बुलडोजर जो कि हर तरफ चल रहा है और मैं इसके आगे चलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग पे। और दोपहर का बज रहा है 12 और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। मैं आज जो है अपने काम के लिए घर से निकला हूँ और मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। मैं बेसिकली चलाता हूँ ओला, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो आज से मैं आपको दिखाऊंगा कि ओला में कितने क्या अर्निंग होती है, कैसे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ और चलते हैं। मेरे पास एक राइड आ चुकी है और मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो लोकेशन पे पहुँच के फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का। तो दोस्तों, मैं लोकेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। इसके बाद जो है मैं देखूँगा कि जो राइड आई है उनको कहाँ पर जाना है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है। मैंने केवल उनसे नहीं पूछा है कि आप कहाँ पर जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ और बस पहुँचने वाला हूँ मैं अपने पिकअप लोकेशन पर। रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा है दोस्तों, क्योंकि जो पिकअप है मेरा वो 1.5 किलोमीटर से है और मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। और ये देखिए शानदार गाड़ी मेरे आगे चलते हुए, और ये मैंने उसको पीछे छोड़ा और बस चल रहा है अपने लोकेशन की तरफ दोस्तों। और पहुँचने के बाद जो है आज न छोड़ेंगे तुम्हें डम डम डम। दोस्तों राइड कंप्लीट हो चुकी है और मैं उनसे पैसे ले करके जो बिल आया था उसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं आया था मैंने मोतीझील ड्रॉप किया तो वहाँ पे रुकने का थोड़ा सा स्पेस कम है, जगह ना होने की वजह से मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और फिर वहाँ पे मैं तीसरी राइड का वेट करूँगा, क्योंकि मेरी 2 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। इसी के साथ आप लोग देखिए मोतीझील का नज़ारा, जो कि दोपहर में इतना खाली खाली सा होता है और संडे होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल ही कम है, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी होता है। देखिए रोडों पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, ना यहाँ पे कोई है ना वहाँ पे कोई है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे है जो बिजली के जाने। दोस्तों मेरे पास एक तीसरी राइड आ चुकी है जिनको लेके जाना है मुझे जेके मंदिर के पास से साकेत नगर, और मैं जा रहा हूँ इसी के साथ। चलते हैं अपनी तीसरी लोकेशन पे और फिर कमाते हैं ढेर सारा पैसा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। ये रहा अपने बाबा जी का बुलडोजर जो कि हर तरफ चल रहा है और मैं इसके आगे चलूंगा। तो दोस्तों तीसरी राइड कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने चौथी राइड भी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि तुरंत ही मैं ड्रॉप नहीं कर पाया था और एडवांस बुकिंग आ गई थी मेरे पास। तो मैं चौथी राइड कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने ड्रॉप कर दिया और अब मैं जा रहा हूँ किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे खड़े होने की जगह मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों खड़े होने की, क्योंकि हर जगह पे खड़े हो नहीं सकते हैं, कहीं पे गली है छोटी है बड़ी है, तो इसकी वजह से जो है अपन लोगों को कोई अच्छी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग खड़े हो। तो भाई मैं जा रहा था किसी अच्छे लोकेशन पे जहाँ पे मुझे खड़े होने का जगह मिल पाए, लेकिन उसके पहले ही ओला मेहरबान, उसने दे दी राइड और मैं लेके आ चुका हूँ अपनी 5वीं राइड। और मैं ये कर रहा हूँ बैक, तो बैक कर लूँ पहले। और इसी बीच आया था आदित्य का फोन। अगर दोस्तों आप लोग आदित्य को नहीं जानते हैं तो मेरा एक वीडियो है कानपुर की सबसे बड़ी मार्केट, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें वो मेरे साथ में ही है। और ये हो गई गाड़ी भाई साहब बैक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं छावनी एरिया में हूँ तो यहाँ से निकल लूँ, वरना यहाँ पे शायद फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगा। देन मैं इसके आगे आदित्य को कॉल करता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे आदित्य से। दोस्तों कंटोनमेंट एरिया से मैं निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ कहीं पे, पहले रुकते हैं राइड बाद में उठाएंगे, कहीं पे रुकने के बाद आदित्य को करता है कॉल, क्योंकि आदित्य का आया था कॉल मेरे पास तो मैंने उसका कॉल जो है वो कट कर दिया था। और ये देखिए लोग बीच में चलते जा रहे हैं, लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक का। भाई साहब कानपुर में गाड़ी चलाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो आराम से कानपुर आए और एक दिन गाड़ी चलाए, जिसने यहाँ पे गाड़ी चलाई वो बन गया राइडर वो भी गाड़ी का। दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक अच्छी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और मैं खड़ा हूँ। लाते हैं आदित्य को फोन, देखना पक्का दोस्तों ये पता है क्या बोलेगा, भाई कहाँ हो भाई, कितना काम हो गया, देखना सुनते हैं। देखना यही बोलेगा, अगर उठता है फोन तो। हेलो हेलो, यहाँ जब भी आते हैं मिर्ची डाल देते हैं, कड़ू लग रहा है। अरे किसको कड़ू लग रहा है भाई? अरे हाँ बताओ भाई, कॉल किए थे तुम? हम भाई बस ये श्याम नगर में हैं, तुम बताओ
अच्छा अच्छा तो क्या बहुत शानदार मेरा भाई, भेलपूरी खा रहा मेरा भाई। हम तो बस कुछ नहीं, 1 लाख का काम कर चुके हैं और बस जा रहे हैं बैंक में जमा करेंगे। क्या कह रहे हो? 12 बजे कहाँ थे, फोन किया था? 12 बजे राइड पे थे, निकल गए थे वही 11 बजे के आसपास। 6 बजे घर से निकले और 2 लाख का काम पेल दिया। सुना तो बहुत शानदार। चलो दोस्तों इसके आगे के बाद में पर्सनल बातें होंगी। तो दोस्तों 5 राइड करने के बाद जो है मैंने फिर से स्टार्ट किया थोड़ी देर रुक के, और मैं कंटिन्यू बैक टू बैक मैंने 3 राइडें और कर ली। तो टोटल मेरी राइडें हो चुकी हैं 8 हो चुकी हैं, और 5 उस टाइम करी थी मैंने और 3 उसके बाद फिर से करी है। तो इसके बाद मैं फिर से जा रहा हूँ, मैंने ड्रॉप कर दिया है अपनी 8वीं राइड के कस्टमर को, और अब मैं फिर से जा रहा हूँ थोड़ा सा रुकने, क्योंकि यहाँ पे अभी राइड तो आई नहीं है, तो वेट ही करना पड़ेगा राइड का। तो वेट करने के लिए किसी सही लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे खड़े होने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे बैठ के रुकते हैं, वेट करते हैं किसी दूसरी राइड का। अभी कम से कम हम लोगों को दोस्तों 8 राइडें हो गई हैं और अभी और करनी है शाम को 9 से 10 बजे तक जो है आज चलानी है गाड़ी, क्योंकि आपको बताना भी है कि एक दिन में कितना काम हो जाता है। तो आइए चलते हैं और वेट करते हैं, नेक्स्ट राइड आएगी तो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों 8 राइड करने के बाद जो है 9वीं भी आ गई थी और बैक टू बैक टोटल मेरी 12 राइडें हो चुकी हैं, और 12वीं राइड में दोस्तों सीन हो गया था, सीन ये हो गया था कि मैंने कस्टमर को लिया और कस्टमर को ड्रॉप किया। जब कस्टमर को ड्रॉप किया तो उसका बिल आ गया 437 रुपये। अब कस्टमर मानने को नहीं तैयार कि नहीं, उनको इतना ज़्यादा दिखा रहा था, वो मुझसे बार बार बोल रहा कि मुझे 150 दिखा रहा था, 150 दिखा रहा था। देन फिर मैंने किया क्या, मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, कस्टमर केयर को बताया कि जो ये कस्टमर है वो केवल 150 ही मुझे पे कर रहे हैं, बिकॉज इनको जो है केवल 150 ही शो कर रहा था इनके हिसाब से। तो फिर कस्टमर केयर ने एक्चुअली कस्टमर ने जब कैब बुक किया तो उसे भेजा किसी और को, कस्टमर को नहीं आया था, तो कस्टमर केयर ने फिर कस्टमर को कॉल किया, उससे कन्फर्मेशन लिया, तो कस्टमर ने भी बोला कि हाँ मुझे 150 दिखा रहा था, तो मैं 150 ही पे करवाऊंगा। तो जिनको मैं लेके आया उन्होंने मुझे 150 पे किया, बाकी का कस्टमर केयर ने जो है मुझे एडजस्ट करके मेरे ऑपरेटर बिल पे कर दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मेरी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई, कस्टमर से मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई, लेकिन कोई नहीं, लास्ट में जो है ओला के कस्टमर केयर ने सारी सिचुएशंस को हैंडल कर दिया और मुझे पूरा बिल मेरा मिल चुका है। और इसी के साथ दोस्तों मेरी 12 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज का टारगेट लेके चल रहे हैं 15 राइडों का, तो अभी मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक लूँगा, जिसमें कि मैं जा रहा हूँ, और 10 मिनट बाद जो है मैं फिर से ऑन करूँगा, क्योंकि दिमाग जो है बवंडर कर दिया ये 150 रुपये दे के, और पूरा बिल दिए नहीं, लेकिन खैर कस्टमर केयर ने मुझे पूरा बिल दे दिया है, तो इसकी वजह से बाकी सरदर्द होने लगा इनसे चिक-चिक करते हुए। तो इस वजह से मैं 10 मिनट बाद जो है आगे की राइड कंप्लीट करूँगा। तो इसी के साथ जो है चलते हैं, कहीं पर 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद जो है शुरू करते हैं फिर से अपना ओला का काम। और बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, क्योंकि आगे का पार्ट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं अभी जितनी भी मैंने अर्निंग करी है उसका मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों? तो बने रहे ऋषि सिंह ब्लॉग्स में, और आगे की अपडेट के लिए मैं अभी जो है 10 मिनट बाद फिर से आता हूँ। दोस्तों 12 राइडें मेरी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने 3 राइडें और करी। 3 राइडें करने के बाद जो मेरी नंबर्स ऑफ बुकिंग्स हैं वो हो गई हैं 15, मतलब मैंने 15 राइडें ओला से आज की डेट में कंप्लीट कर दी हैं। और मैंने काम शुरू किया था सुबह 11 बजे से, तो 11 से और अभी 10 बज रहा है और मैंने 15 राइड कंप्लीट कर दी है। तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो 10 और 11 घंटे में मैंने जो है 15 राइडें पूरी करी हैं, और जिसमें कि जो मेरी अर्निंग हुई है वो ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे रहा हूँ। तो इसकी जो अर्निंग है वो 1963 रुपये का, 1963 रुपये का ऑपरेटर बिल है, 325 रुपये का इंसेंटिव है जो मुझे मिला है 15 राइड पे। तो 1963 और 325 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आता है 2288 रुपये। तो दोस्तों मैंने आज की डेट में ओला से जो काम किया वो किया टोटल 2288 रुपये का। तो 11 घंटे में टोटल ओला का काम हुआ है 2288, लगभग 2300 रुपये का, ठीक है? और आज नॉर्मल डे था, कोई भी एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं आई दोस्तों, ठीक है? संडे का ही दिन था तो संडे को और काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बाकी मैं 15 राइडें करने के बाद जो है अब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, मेरा घर यहाँ से दूर भी नहीं है तो मैं अब घर ही जा रहा हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास ओला का काम करके, मैंने पूरे लगभग 2300 रुपये का काम किया है, 2288 रुपये का एक दिन में, जो कि मैंने काम किया लगभग 11 घंटे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, करें बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कहते हैं
किसी नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय।